सीमा, नीता और मीना ये कामया जी की तीन बहुएं थी। इन तीनों के पति कमाने के लिए बाहर देश गए हुए थे। पति के पैसे आते तो मौज से रहती और सास की सेवा करती, जहां मन चाहता घूमने जाती। सिर्फ काम करने में काफी नखरा दिखाती। ऐसे ही एक दिन, नीता दीदी, मैं अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी जा रही हूँ, प्लीज माँ जी को समय से दवा दे देना। दवा का काम तुम्हारा है तो मैं क्यों दूँ? दे के जाओ दवा, मैंने खाना बना दिया है। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, पार्लर जा रही हूँ। फिर मजबूरन सीमा को सास को दवा देने के लिए रुकना पड़ता है। वही काम्या जी की एक पड़ोसन थी नैना, जिसको काम्या जी की बहू से काफी जलन होती थी कि वो उनका कितना ख्याल रखती है। तभी नैना उनके घर आती है। नैना आंटी, यहाँ कैसे आना हुआ? आ गई चुड़ैल, कितनी दफा कहा इसे घर में मत लिया कर, आग लगाऊ है, मोहल्ले में किसी से नहीं बनती इसकी। अरे मैं तो तुमसे मिलने आई थी, सुना है तबीयत खराब है तुम्हारी। तुझे देखकर तो और खराब हो गई, अब जैसे आई है वैसे ही चली जा। अरे जाती हूँ जाती हूँ। फिर नैना मुंह उठाकर बाहर आ जाती है। अरे बुरा मत मानना आंटी, माँ जी का नेचर तो आप जानती ही हैं। उसका भला सोचो तो बुरा ही लगता है उसे। फिर नैना वहाँ से चली जाती है। इस काम में उन्हें मुझे बहुत जलील किया है, और दफा इसे तो मैं बहुत अच्छा बदला लूंगी। वहीं कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में एक बड़ा ही हैंडसम सा लड़का आता है, जिसपे मोहल्ले की सारी लड़कियां फिदा होती हैं। ऐसी एक दिन जब नीता छत पर कपड़े फैलाने जाती है। वाह क्या हैंडसम है, इसके बाइसेप्स कितने मस्त है। हेलो, आप मुझे देख रही है? आई नो आई एम कूल। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं है। इस तरह वो नीता से खूब फ्लर्ट करता है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। ऐसी अगले दिन जब सीमा छत पर पापड़ सुखाने जाती है, वो भी रॉकी को छत पर एक्सरसाइज करते हुए देखती है। वाओ क्या लड़का है। ऐसे ना देख पगली, प्यार हो जाएगा, एक बार नहीं बार बार हो जाएगा। What? अरे मैं गाना गा रहा था, कैसा है? तुम्हारी ही तरह बहुत मस्त, कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी। फिर सीमा रॉकी को देखती ही रह जाती है। वही शाम को जब मीना सब्जी लेने जाती है। अरे भैया कुछ तो कम करो सब्जी में। अरे नहीं होगा भाभी जी, समझती क्यों नहीं हो? अरे भाई अभी तो वो पड़ोस वाली भाभी को 100 रुपए कम करके दिए, कैसे कम नहीं होगा? भाई धोती ना खोलो, हाँ ले लो मैडम जी जो चाहिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। फिर मीना सब्जी लेके रॉकी से बात करते हुए घर जाने लगती है। कितना सही बंदा है, मेरे सूरज जी भी इतना मोल भाव में एक्सपर्ट नहीं है जितना कि ये है। वाव। ऐसी धीरे धीरे तीनों की बात शुरू हो जाती है और रॉकी कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं को पटा लेता है और अब तीनों से अलग अलग समय पर चैटिंग करता है। वही पड़ोसन नैना हर बात की खबर रखती है। आखिर क्या होगा जब तीनों बहुओं को पता चलेगा? और तब क्या होगा जब सास को पता चलेगा कि उनकी बहुएं उनके बेटों को धोखा दे रही हैं? क्या इन सबके पीछे पड़ोसन नैना की कोई चाल है, या रॉकी का तीनों बहुओं से कोई पहले का नाता है? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।